सवाल ये आता है कि हमारी आइडेंटिटी बनी कैसे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी बने, हमारा जो परसोना है, हमारा जो मुखौटा हम पहनते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, या लोग क्या समझते हैं मैं किस तरह का आदमी, बना कैसा। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है, वो 2 साल तक तो उसको भाषा भी आती नहीं है, तात्ता मामा बाबा काका ऐसा बोलते रहता है, वो थोड़े शब्द बोलते रहता है, पहचानता है लोगों को, कुछ लगा तो रोता है, और उसका पूरा सेल्फ एक्सप्रेशन रहता है ना, पूरी आत्माभिव्यक्ति रहती है, जैसा चाहे वैसा। मतलब वो पेशाब भी करेंगे तो उसमें भी हाथ डाल देंगे, लैट्रिन करेंगे तो उसमें भी हाथ डालेंगे, उसके समझता नहीं कि लैट्रिन है पेशाब है, खाना खा रहे हम तो आ जाएंगे हाथ डाल देंगे, मतलब फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस रहता है वो। फिर होता क्या है कि जब ये बच्चा मस्त रहता है, फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस रहता है, मजा आती है, पूरा मजा करते रहता है, बहुत खुश रहता है, उसको कुछ बोलने वाला नहीं रहता, कहीं भी हंसता कहीं भी, मतलब समझो उसको रुलाया भी या रो भी दिया उसने, 1 मिनट बाद में हंसेगा भी, वो भूल भी जाएगा उसको कोई तकलीफ हुई थी क्या, इस तरह का रहता है। क्या होता है कि अंदाजे 3 4 5 साल साल ऐसे जब उसको बड़ा बड़ा होते रहता है, तो कुछ तो भी ऐसी घटना हो जाती है, कुछ तो भी घटना होती है, और वो घटना में ऐसा उसको एकदम शॉक बैठ जाता है कि भाई मैं जो हूँ वो उसको मैं कोपअप नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, मैं जैसा चाहिए वैसा नहीं हूँ, ऐसा उसको लगता है उस समय। और फिर जब मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ, जब मैं कोपअप नहीं कर सकता हूँ, जब उसको मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ, तभी मुझे कुछ तभी इस तरह से भी नयापन लाना पड़ेगा, कुछ तभी बनना पड़ेगा, ताकि मैं आई जो सिचुएशन आई है उसके साथ में मैं उसका सामना करूँ, उसको फेस करूँ, उसको टैकल करूँ, और फिर वहाँ उसका स्वभाव का एक बीज बन जाता है। हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंट बने, हो सकता है कि वो डिटरमाइंड बने, हो सकता है कि वो हार्ड वर्कर बने, पता नहीं उस समय कुछ तो भी वो अपने इसमें लाता है कि अभी मुझे ऐसा बनना पड़ेगा और उसका सामना करना पड़ेगा, और वो वैसा बनता है और उसका सामना करता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके पास में फिर एक वो व्यक्तिमत्व का एक बीज बोया जाता है कि अभी मैं इस तरह का व्यक्ति हूं कि अभी मैं ये कर सकता हूं, पहली शुरुआत। ऐसे अनेक घटनाएं घटती है लाइफ में, और उस समय वो डिटरमाइन करते रहता है, पक्का कर लेता है, नक्की कर लेता है कि मुझे कैसा होना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 7 साल 8 10 साल का होता है, चालू रहता है बढ़ना, तो मतलब उम्र तो बढ़ती जाती है, कुछ तो भी और घटना हो जाती है बहुत धक्का देने वाली, सिचुएशन को कोप न करने वाली, किसने मारा, किसने डांटा, किसने अपमान कर दिया, किसने ठोका, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, किसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, लेफ्ट अलोन कर दिया उसको, कहीं अकेला छोड़ दिया, कहीं बाजार में वो घूम गया, कुछ भी हो सकता है कि जो धक्का देने वाली सिचुएशन होंगी बचपन की, किसने सेक्सुअल अब्यूज कर दिया, कुछ भी, या फेल हो गया, उसको लोगों ने डांटा, टीचर ने डांटा, मारा, ठोका, जो भी। तो फिर उससे बोलता है कि अभी मैं ये सिचुएशन का सामना नहीं कर सकता हूँ जो मैं हूँ, अभी मुझे अलग कुछ तो भी करना पड़ेगा, अलग कुछ तो भी होना पड़ेगा, और वो फिर अपने में और एक कुछ गुण लाता है और फिर वहां से काम करना चालू कर देता है। जैसे मेरी बात बोली तो मैं 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम लिया, इंग्लिश मीडियम हमारे ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी, इंग्लिश मीडियम में जाना बोले तो, मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, और फर्स्ट सेमेस्टर हमारी जो एग्ज़ाम थी उसमें मैं फिजिक्स में फेल हो गया, बहुत रोया धोया, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझे से होंगा नहीं, मेरे से जमेगा नहीं इंग्लिश मीडियम, मगर मुझे डॉक्टर बनना था। फिर मैंने ये तय कर लिया कि अभी ये मेरे लिए बहुत कठिन है, अभी मेरे को करना पड़ेगा हार्डवर्क, मैंने मेरे से तय कर लिया दिमाग में कि मैं हार्डवर्क करूँगा तभी ये मैं इसका सामना कर सकता हूँ, मैं हार्डवर्कर बना, और तब से मैं हार्डवर्कर ही बना, मैं भी हार्डवर्क ही करता हूँ, वो एक मेरा गुण हो गया। मगर प्रॉब्लम क्या है इसका कि ये गुण है तो कुछ जगह दुर्गुण भी है, जहाँ हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है वहाँ भी मैं हार्डवर्क ही करूँगा, क्योंकि आदत से मजबूत, आदत से मजबूर भी। तो फिर ऐसा होता है कि ये गुण अच्छा तो है मगर बुरा भी फिर साबित हो सकता है, बच्चा बड़ा होता है। तो ऐसे अलग 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 कठिन समय आते जाते हैं कि जहाँ उसको लगता है कि मैं सामना नहीं कर पाऊँगा, तभी मुझे मेरे में इस तरह का ऐसा कुछ तो भी गुण लाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ऐसी आइडेंटिटी एक मेरी बन जाती है। कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत गुस्सा किया,
मैं बहुत चिल्लाया, बहुत गुस्सा किया और वहां सक्सेस मिल गया। तो मैं सीख गया कि अरे गुस्सा करने से ये जम जाता है, तो फिर मैं गुस्से वाला बन जाता हूँ। हो सकता है कि मैंने किसका गुस्सा देखा होगा, पिताजी का, माताजी का और बड़े लोगों का, और वो गुस्से से उन्होंने वो सिचुएशन के ऊपर मात की होंगी, जम गया होगा। वहां से मैं सीखता हूँ कि अरे गुस्सा करने से जम जाता है। कहीं किसको मैंने रोते हुए देखा होगा और वो काम हो गया होगा, तो मुझे लगता है अच्छा रोया धोया तो काम जम जाता है, तो वो मेरा एक गुण बन जाता। कुछ लोग रहते कि नहीं साहब बिल्कुल आप तो बड़े हो, महान हो, हम तो हमारे आपके तो भगत है, हम तो आपके चेले हैं, मतलब इसका लीन होना एकदम सामने वाले को दयावान, ऐसा काम लोग निकाल लेते हैं। मुझे ये दिखा कि अरे ये जम जाता है तो फिर मैं वो मेरे में लेता हूँ। ऐसे अलग 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 गुण हम हमारे इसमें लाते रहते हैं और हम हमारा काम करते रहते हैं और सक्सेस मिलाते रहते हैं। तो आप कैसे बने कि लाइफ में जो घटनाएं होती रहती है वो घटनाओं से एक 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 गुण हमारे में लाते हैं। वो गुण बहुत जगह गुण है, कुछ जगह वो दुर्गुण भी बनते जाता है। थैंक यू वेरी मच।